ज्यादा तो नहीं चेर थी बाद डर लग रहा था देखो। अरे तोड़ देना बस, इसने लगा दी यहाँ पे, हिम्मत करिए तो देखो। राम राम साहब, तो स्वागत है आप सभी का बावले चोरों की रोज टप्पे खाती ब्लॉगिंग पे। तो भैया हम कल रात को आ चुके थे महेश भैया के यहाँ पे, और पता है हम कैसी जगह रुके थे, कल अंधेरा था, दिखा नहीं पाया। तो भैया देखो जंगल के बीच में घर कैसा होता है, ऐसे जंगल के देखो बीच में घर, पीछे जंगल खेत, ऐसे देखो यहाँ पीपल का पेड़, पीपल का ये ना, अबे साले खद, ये किसका ये नारियल का पीछे गद है, ए मेरी इज्जत खराब करेगा वो, पीछे देखो बरगद का है। हाँ, बरगद का पेड़, पीपल और बरगद में फर्क नहीं पता पड़ता है, बड़ का पेड़ बगने वहाँ देखो, होदा होदा, और ये देखो ऐसे क्या शानदार शानदार आनंद ही आया हमको, चल रही थी मगर हाँ बारिश से इनके गाँव में पानी खूब भरी जाए। हाँ, और इसके बाद अब जैसे महेश भी आ जाते हैं, हम आपको दिखाते हैं इनके पास कैसे कैसी है गायों की सेवा कर रहे हैं और क्या क्या करते हैं। ठीक है ठीक है, चलो आज के ब्लॉग में सबसे अच्छा पार्ट क्या लगे कमेंट करके बता देना। ओके, जय राम जी की। वो कहाँ है अपना अपना मोगू, मोगू कहाँ है वो, देखो वो छुपा हुआ बैठा मोगू, सोच लू इसके आके पड़े ये क्यों ना के, जो जो सब आ रहे थे ना तो सबके मुंडे लग रहा था, मैंने कहा पहले पहुंचा के तो ओले मोगू को डांट दिया, ओले डांट दिया मेरे को मोगू, मोगू आजा मोगू, मोगू आओ बेटा, मैं मोगू को डांटता आएगा ही नहीं मेरे गंदे बच्चे, मोगू आओ मैं पुलिस में जाऊँ मोगू के, मैं पुलिस में जाऊँ, ओले मोगू को डांट पड़ी, क्या खा रहे ये है भाकरी और अचार सुबह सुबह गुजराती नाश्ता। चलो खा के फिर चले कष्ट व्यंजन हनुमान जी। ये देखो खुद के खेत खेत में उगे नारियल के पेड़ से हाथों हाथ नारियल तोड़ के लाए और नारियल पानी पिला रहे, आनंद ही अलग है। टकरिया जी का देखो हैंग लेन जाओ थे जोरदार। तो भैया अब आपको हम बताते हैं कि हम महेश भैया के यहाँ क्यों आए थे और महेश भैया क्या करते हैं। ठीक है ठीक है, तो महेश भैया ये देखो इनकी टोटल लगभग 17 गायें हैं और 17 गायों में से एक भी गाय दूध नहीं देती है, सारी गायों की सेवा ये सिर्फ सेवा भाव से करते हैं। और इनके सबसे बड़ी अभी समस्या ये फेस हो रही है कि बारिश आई थी तो बहुत ज्यादा बारिश हो गई थी, तो देखो गायों को कीचड़ में खड़ा, ये गांव पूरा पानी में भर गया था, पानी में भर गया था, फिर भी व्यवस्था करी है सबकी, सबको अलग अलग बिठा रखा है, पूरी सेवा चारा वगैरह की सबकी सेवा करते हैं। वो देखो इनके एक स्वर्ण कपिला नंदी भी है, वो देखो दिखाते हैं वहां चल के, चले चलो। तो ये देखो ये रहा स्वर्ण कपिला नंदी, ये महेश भैया का है, ये अब व्यवस्था है नहीं इसलिए थोड़ा सा भी गंदगी में बैठा है, बाकी इसका बहुत ध्यान रखते हैं, बहुत सीधे स्वभाव का नंदी, देखो देखो प्यारा नंदी, नंदी महाराज जैसे कितना जैसे कितना, ये लंगूर क्या कर रहा है देखो कौन बदमाशी आ रही है इसको बीच बीच में, महिपाल के साथ खेलता है हमारे साथ खेलता है, हमसे तो इसकी पट्टी है। तो ये देखो ये पूरी व्यवस्था इसलिए बिगड़ी हुई है, पूरे गांव में पानी भर पानी भर गया था। और देखो एक वो गौ माता है जिनके लिए सेवा कर रहे हैं, वो गौ माता अपने अंतिम समय में है, ये जब लाए थे तब किसी जिसने इनको दी थी उसके यहाँ पे लोहा खा लिया था और अगले ने बताया तक नहीं, अब जब ये ऐसे गिर गई है तब जाके उसने बताया कि हाँ इसने साल भर पहले लोहा खा लिया था। तो अगर आप लोग अगर गाय किसी को देते हैं और कोई कमी है देने के बाद तो कम से कम हाथों हाथ बता दीजिए ताकि उसका इलाज किया जा सके, आप वो अपने अंतिम सांसें ले रही है, नहीं तो सही टाइम पे होता तो उसका इलाज हो जाता। हमारी बात नहीं मानता, मावी साकी मानता है, ए कहाँ जा रहे इधर देखो 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 ए इधर को हमारे साथ नहीं चलना क्या ए मोगली। और ये रवाना हो चुके हैं हम और मैं कष्टभंजन देव के यहाँ, कष्टभंजन बालाजी के यहाँ पे, और आगे वो महेश भैया थोड़ी दूर रास्ता दिखाने के लिए चल रहे हैं, बोलो कष्टभंजन बालाजी की जय हो जय हो। इधर ही हमारा मोगली अंदर सो गया है, कष्टभंजन बालाजी के यहाँ जाने से पहले हमको महेश भैया लेके आए हैं शांति कुंज सेवा आश्रम, यहाँ गौ माताओं की सेवा तगड़ी होती है, ओम राम बापू जी का है। तो अभी चलो आपको दिखाते हैं कैसी कैसी गाय है यहाँ पे, अगर हाथ लगी तो एक आग ले के ही चलेंगे, कितनी शानदार तैयार बछड़ी है, कितनी शान स्वभाव की, ये देखो लेके चले लेके चलो चलो चलो, कितनी प्यारी है, ये तो लाड के लिए जैसे हमारे वहाँ है ना, जैसे झूमर तो हमारे दूसरे को देखती है ना कैसे लाड करवाती है, तो
गुजरात में आके पहली बार ढंग से ही गिर गए। मेरा इतना जैसे गिर गया फेमस है, मगर सही में आज ढंग से सेवा यहाँ पे देखिए कि हाँ सब की सब करा रही है एकदम। देखो एकदम शानदार क्या है, लाड गिली है ना, बड़ी गाय भी इसमें लाड गिरा ली। गिर गया कि अलग अलग सींग होते सब। हम पहुंच चुके हैं कहाँ, सारंगपुर धाम 3 किलोमीटर है, मगर हम लेट पहुंचे, 1:30 बजे पहुंचे, अब 3:30 बजे खुलेंगे, बट तो जिंदा करते हैं यहाँ पे नजार। और तो क्या कर सकते हैं ना, वो को इसको कहाँ छोड़ के जाएं, इसको कहाँ छोड़ के कहाँ छोड़ देगा, इसको ऐसे खोल के सड़क पे छोड़ रहा हूँ, आएंगे मिल जाएगा तो मिल जाएगा, नहीं तो ठीक है लेगा। ओ नहीं रे। तो भैया कष्टभंजन जी के यहाँ पहुंच चुके हैं, बालाजी के यहाँ अब दर्शन करने जा रहे हैं। और वो के लिए यहाँ देखो कहाँ, देखो दिखाता हूँ, दो पहरेदार और उसके और उसके यहाँ। तो यहाँ पे हम दुकान पे कुछ खा रहे थे, तो भैया ने कहा यहीं पे छोड़ दो, भैया खुद रखते हैं डॉग। तो मोगली का क्या, देखो वो दोनों बच्चे इसके पहरेदार और उसको मजा आ गया, मोगली का अच्छा टाइम पास हो जाएगा, हम आते हैं दर्शन करके। ठीक है चलो, जय हो बालाजी महाराज की। ओ ये घुस रहे हैं अंदर, और वो देखो घुसते ही भगवान जी ने दर्शन दे दिए, दिखाऊं वो रे कष्टभंजन देव, वो देखो वो नहीं बड़ी मूर्ति, ये रही बालाजी महाराज की जय हो। ओ हम आ चुके हैं कष्टभंजन देव, अगर क्या कहता वो दिमाग के लिए क्या बोल रहे हो, दो हाँ हाँ कष्टों ने घेर लिया है और रुक चुके हैं सारे काम, तो चिंता क्यों करते हो, आ जाओ कष्टभंजन राम कष्टभंजन बालाजी की जय हो। ए बालाजी सबका भला करना और शुरू हमसे करना। देखो कितनी शानदार है, रख दो कहाँ रखना, वहाँ रख दो, रखो रखो रखो, कौन सा नंबर याद रखना, 432 याद रखना है, ये वाला, ये वाला इस पे, ये देखो ये वाला मेरा है, इसलिए बताया बना रहे ताकि हम भूल न जाए। हमारे जूता और व्यवस्था देखो कितनी शानदार है, मिनक भूल जाते हैं। हाँ चलो, ये कहाँ पहुँच चुके हैं, सालनपुर धाम बालाजी के लिए लाइन में लग चुके हैं। ये देखो लाइन कितनी लंबी है, महिपाल साहब पीछे और माधव साहब पीछे, ये रे दोनों आगे आओ को नहीं हो, आगे आओ नहीं तो ला जाओ ला। राजा राम 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 जय सीता राम, राम राम जय राजा राम 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 जय। हो चुके हैं हमारे शानदार दर्शन हुए, एक जगह हमने मोगली को छोड़ दिया, एक जगह मोगली के मालिक को छोड़ रहे हम। चलो छोड़ नहीं, आपा तो चला, इन छोड़ने चला, मैंने राजकोट छोड़ दिया। ओके धान राजकोट छोड़ दो, धान का छोड़ना है, मैं महिपाल सारे साथ ही जाओ, महिपाल सर स्टैंप नहीं है। तो दर्शन हो गए, एक बार आपको फिर करा देते हैं बालाजी के दर्शन, बोल सालंगपुर महाराज जय की जय। तो हम लोग दर्शन करके आ गए, मगर यूट्यूब ने कोई घोचा किया है, हमने कोई शॉर्ट डाला था उस पर कोई रिस्ट्रिक्शन दे दिया है, तो मैं तो उसका काम कर रहा हूँ। वो लोग मोगली के पास गए, उधर दिख रहे होंगे आपको, ये आगे मोगली से आता है, अरे मोगली ए मोगली ए मोगली 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 भी आ गया है। तो अब काम वाम करके फिर निपटते हैं, यहाँ खाने का कुछ है नहीं, तो अहमदाबाद ही जाना पड़ेगा जीमिए के पास। तो अहमदाबाद पहुँचवानू छे और मोगली छोवानू छे उल्टा होके, देखो कैसे सो रहा है। एंड मोगली अभी तक सो रहा है। और आप लोगों ने हमारे व्लॉगों में आज तक गाय देखी है, घोड़ी देखी है, कुत्ता देखा है, सब कुछ देखा, पाड़ा नहीं देखा होगा, अभी पाड़ा आ रहा, देखो दिखा वैसा 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 हमको लेने के लिए यहाँ पर दो आदमी के जितना एक है, वो दो नहीं चार होंगे होंगे। हाँ, देखना बेचारा काम खूब करता है, काम खूब करता है, उसको मेहनत खूब हल जोता जाता है, अभी आएगा कहीं ना कहीं से चलता हुआ वो भैंसा, अभी आएगा और ऐसा आगे रोकेगा जैसे पैसे मांगता हूँ, भैंसा आगच्छतु आगंतु आगंतु भैंसा आगंतु, भैंसा आने का मंत्र पढ़ो। ये आ गया भैंसा, साइज देखो साइज, ये है भैंसा, आ गया भैंसा, लाल कलर का है ये तो, सॉरी लाल भाई, लाल भैंसा, लाल गाड़ी पीछे का मेरी भैंसे, गाड़ी के आगे लग जा फटाफट। अब देखो देखो एक्टिवा में भी नहीं आ रहा है, चल ये एक्टिवा कैसे लग रही है, इसका उसका शोषण हो रहा है। एक्टिवा का शोषण करते हुए जयप्रकाश सोनी पाली से मोगली से डर रहा है, मोगली ने इसका तिरस्कार कर दिया, रुक जा रुक जा, काट ले मोगली इसकी, इसके पेट में एक मोगली है देख।
तो हम जिमी के घर आए हुए हैं और ये देखो मोगली को हमने अंदर ही छोड़ दिया, हम बाहर जा रहे हैं। ओके टाटा मोगली, टाटा मोगली, टाटा। जाऊं मैं? वो देख रहा है। जाऊं मोगली? आएगा आजा 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 मेरे पास खाना है ना अभी इसका, इसलिए मेरा चमचा बना हुआ है। आज सुबह की बज रही है 6 और हमको निकलना है पाली क्योंकि आज है सावन का सोमवार। तो रास्ते में कहीं होटल देखेगी वहाँ आएंगे तो आएंगे, क्योंकि अभी नहाएंगे तो लेट हो जाएंगे यहीं पे। तो निकलते हैं और फटाफट पहुंचने की कोशिश करते हैं अपने गऊ ग्राम, अपने झूमर के पास, क्योंकि उनका उनकी याद भी बहुत दिनों से आ रही है। अहमदाबाद के बाहर रुके हैं चाय पीने के लिए ताकि सीधा हम सुबह पहुंच सके। और हमारे मोगली को देखो, कुरिया को देखो, कुरिया कुरिया नाथ कुरिया कटे बारह कटा हूँ बारह कटा हूँ बारह कटे बैठा क्या काम है तेरा, सुसु कर ली ना तूने, बाहर क्या करना है तेरे को, बाहर आएगा कुरिया नाथ इसका नाम मोगली से बदल के कुरिया कर देंगे। तो हमारे सावन के सोमवार राजू लेके आए रबड़ी, अब हम चढ़ेंगे रबड़ी महादेव जी की पूजा करने के लिए। राजू तू तो मोटा हो गया, राजू मोटा हो गया, लौट के बुद्धू घर को आए। तो रास्ता दिखाते हैं आपको वसुधा गोग्राम का, वसुधा गोग्राम पहुंच रहे हैं हम और यहाँ मौसम बहुत शानदार है, शानदार है। झूमर से मिलेंगे, आलू से मिलेंगे, सबसे मिलेंगे, फटाफट जाएंगे। चलो अभी हमारे जैसे गाड़ी के सामने बकरी आई थी तो हमने शूट किया क्या, हमारा स्वागत तो बकरियों से होगा। तो महिपाल सर ने गाड़ी आगे ले ली, क्या बकरियां वो पीछे चल रही है आगे आ जाएगी। अब क्या हुआ बेवकूफ की लारी आई नहीं रही मोगली भी उठ गया है, मोगली को पता पड़ गया अपन कहाँ गए, मोगली वापस हो गया। तो मोगली का घर आ गया, बता देंगे मोगली का। अब यहाँ पे मेरे को रोज सुसु करना, बाहर जाना पड़ेगा। हाँ यार नीत तो यही ले जाते थे घूमते घूमते, कहीं कर लो समस्या खत्म। महिपाल जी और महावीर साहब को दिखा रहे हैं कि हमारे वसुधा गोग्राम के पास कितनी शानदार शानदार नदी है, बढ़िया नदी है, वो देखो जोरदार तालाब है, वो तालाब नदी को नहीं। तो ये एक और हमारे यहाँ बन रहा है झोपड़ा, झालामंड की झोपड़ी सारा घटना। तो मोगली गया सब पैसे मिलने, आजा जल्दी बाहर। तो हम कहाँ पहुंच चुके हैं, हम वसुधा गोग्राम मॉडल कौन है भाई, सरप्राइज सरप्राइज पापा आए हुए हमको सरप्राइज देने, हमको कल सरप्राइज दे रहे थे पापा के आएंगे तो पापा की गाड़ी का टोल इसके मोबाइल पे लगा जिन्होंने टोल क्रॉस किया हमको पता पड़ गया। पापा पिताश्री खुश रहो, खुश रहो, प्रणाम पिताश्री, प्रणाम पिताश्री। तो अब आके ये देखो टोकरियों को लाड करने का आनंद ले रहे दोनों लोग। तो यहाँ हमारे यहाँ क्या होती है थेरेपी, क्या होती है महावीर साहब, थेरेपी होती है। हाँ 8,000 वाली। ओ मम्मी का लाड आ रहा है झुटका पे, फिर पे मम्मी प्रणाम करो मम्मी को, बड़े दिनों के बाद मिले मम्मी से। चल ये सब देखा, ये लेके आए थे तो रोने लगी मम्मी। तो देखो 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 पापा से लाड आ रहा है कि कितने दिन हो गए, ये तो डांटते दोनों मेरे को, शिकायत कर रहे हमारी सारी, हमको डांटते हैं ये। तो इतने दिनों बाद वालू से मिले हम, थक गई मेरे को तो ऐसा लग रहा है, थक गई नहीं कोई नहीं थकी वालू से ही है। ये बीच में लाइन में खड़ी है, मेरे को भी लाड गिलो दे, आओ तू आजा 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 उधर आऊ लाड दिया। दिनों को किचन लाड नहीं किया, ये लाड लाड घुस रही वालूडी। इस झोपड़ी का निरीक्षण करने पापा आ रहे हैं, हाथ पकड़ो, महिपाल साहब निरीक्षण कर रहे हैं। मोगली की मम्मी आई, मोगली राजी हो गया मम्मी को देख के, पापा उतरेंगे कैसे, भागा कुरियन हट गया। अब पापा को उतारने के लिए तीन तीन जने, तो पहले पापा इतना उतर चढ़ नहीं पाते थे, वसुधा गोग्राम में आए थेरेपी ली, फिर पापा एकदम स्वस्थ हो गए थेरेपी लेते ही। तो अगर आपको काउ थेरेपी लेनी है, हमारे पास आपके लिए 7 दिन की दिनचर्या है, आपका बीपी हो, ब्लड शुगर हो, कोलेस्ट्रॉल हो, कोलेस्ट्रॉल में टाइम लगेगा महीने भर, मतलब जो भी बीमारी हो सबका इलाज हमारे हाथ में है। आ जाओ यहाँ पे,
मैं लीच थेरेपी करना जा रहा हूँ। ये देखो लीच आई है यहाँ पे, ये लगाएगा इसको, इसके जहाँ ब्लड क्लॉट है पकड़ के खींच देना, जहाँ इसके ब्लड क्लॉट है ये इसको लगाएगा वहाँ पे। कैसी है ये उगली है, उठा उठा जल्दी कपड़ा मैं मन पकड़ने लगा लगा। देखो ये उठा रहा है, डॉक्टर बोल रहे गुदी दिखा कैसी, तो ये खून चूसती है, ये अपना खून चूसा के दिखा रहा है, चूस ले नहीं तेरे तो चिपक रही है ना, चिपक रही है ना, रख प्रॉपर होना, आदमी का ध्यान करो यार, लगा लगा पापा के, लगा लगा एक तो है पापा के, एक तो है के, एक तो ज्यादा तो नहीं चेड़ती बाद डर लग रहा है, देखो अरे तोड़ देना बस, इसने लगा दी यहाँ पे, हिम्मत करिए। तो देखो तो इस तरीके की थेरेपी के लिए वसुधा गोग्रा मार कौन आया, किसके पीछे, मेरे कहाँ आ रही है, कहाँ आ रही है, झुमो जो भाग के आ गई, ये तो आ गई अपने हिसाब से, अपने आप के मैं तो सुख गई, अब तुम तुम्हारा देगा वो रही सब सारी फ्रेंड और आ गई। अभी नहीं महाराज की गमी थी, ये डमरू महाराज भी आ गए। ओ भैया हम सब जा रहे हैं यहाँ पे महादेव जी के दर्शन करने, आपको भी करवाते हैं, हम भी करते हैं, जिनके यहाँ हम हर सोमवार पहुँच जाते हैं उन्हीं महादेव जी के यहाँ, तो चले चलो। हर हर महादेव, हर हर महादेव। तो अभी हम आ चुके हैं महादेव जी के पास, दर्शन पिछली बार करे नहीं थे, पिछली बार भूल गए थे हम पूजा करते करते, तो इस बार कर लो। हर हर महादेव, हर हर महादेव। देखो बच्चे बराबर महादेव जी को निला रहे हैं इधर, छोटे छोटे। तो इधर तो हम गौशाला के लिए कोटा स्टोन कटवा रहे हैं, और इधर देखो ये क्या कर रहे हैं, नींबू चुरा रहे हैं। शाम को दाल बाटी बन रही है, उसके लिए नींबू डालेंगे। आदमी की टूटा ले रहा है मुन्ना, मत हंसी केड़ी पे हंसी। ये कोटा स्टोन लेके बाहुबली आ रहे हैं, ये अमरेंद्र बाहुबली, ये मिग्रेंद्र बाहुबली, ये धर्मेंद्र बाहुबली। हमारी झूमर इतनी बांडी है कि इतनी बांडी है, इतनी बड़ी जगह पड़ी है, मगर यहाँ आके हमने मोबाइल चार्ज करने का बनाया, अब तो बेटी नीचे हो गई, उसको सींग से देखो, दोनों को टेढ़े कर दिए, देखो डब्बों को टेढ़ा कर दिया, जाके बताऊंगा उस पे, इसके झूम जी को इधर उधर सरकाना पड़ेगा, सरका उसको मैडम को, यहाँ आके लाड करा रही है लाडो से, हैं राज चल रहा है क्या तेरा यहाँ पे, राज चलता है क्या तेरा यहाँ पे, हैं चलता है तो राज है क्या, राज है, राज चलता है तो उसका कान खा रही है, चाटे जा रही है, झुमको झुमवा, इसके चीचड़े कैसे हुए। तो भैया वसुधा गोग्राम में दाल बाटी चूरमा खाते हैं हम, चूरू खाते हैं राजस्थानी, घी का आनंद लो, यहाँ बैठी गौ माता सामने, और यहाँ गौ माता के दूध से बना घी, वो भी शुद्ध बिलोना, शुद्ध बिलोना पौराणिक तरीके से बना हुआ।